जो कल हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के ऊपर हम बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का जो विजिट हुआ था उसमें बहुत अपना का फ्लम उधर हो चुका है। कल जो हमने मीटिंग किया और फार्मर्स के साथ भी मीटिंग हुआ उसमें 451 फार्मर्स को अभी ऑलरेडी नोटिस दे चुके हैं, लेकिन कल होने के बाद मीटिंग होने के बाद दे आर टेलिंग हम लोग उसको रिटर्न ले लेते हैं। जब शाम को हमारे डीसी के साथ मीटिंग हुआ तभी डीसी ने बता रहे थे हम सभी जो नोटिस दिया है हम वापस ले रहे हैं, तो इसमें पूरा क्लियर हो सकता है। पहला नोटिस देना, बाद में बीजेपी प्रोटेस्ट करने के बाद उसको नोटिस को रिटर्न देना, फिर ले लिया तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो हजारों साल से रहने वाला मंदिर है और बहुत पुरातन मठ है वो सब लोगों को वक्फ कमेटी के इसमें 9 और 11 में बिठाने के लिए ऑलरेडी दे चुके हैं। इसके लिए हम जो कल और जमीर अहमद ने जो मीटिंग किया था बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में उसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग लेने के बाद उसमें उन्होंने बता चुका है ये सीएम का ओवरऑल इंस्ट्रक्शन है, इसके लिए हम ये सभी करें 15 दिन के अंदर ये सब हो जाना चाहिए करके अधिकारी के ऊपर प्रेशर डाल के सब करने के लिए कांग्रेस पार्टी उत्सुक है। अभी पूरा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जितना भी फार्मर्स है फार्मर्स कल उधर डे नाइट प्रोटेस्ट भी चालू कर चुके हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इसको हम पूरा ले लेंगे। नॉट ओनली इन बीजापुर, कल तो पता चल रहा है बीजापुर है, धारवाड़ है, गदग है, यादगिरी है, बहुत डिस्ट्रिक्ट में इवन बेंगलुरु साइड भी ये सब चालू हो चुका है। ये पूरा इसके पीछे जमीर अहमद खान और कांग्रेस पार्टी का हाथ है। बीजेपी का अगला कदम क्या है? बीजेपी अभी ऑलरेडी प्रोटेस्ट के ऊपर हम चालू करेंगे, जो फार्मर्स के हित में कार्य में जो काम करना चाहिए उसके लिए हम पूरा कोशिश करेंगे और हमारा मांग क्लियर है। कल सिर्फ बीजेपी का टीम उधर विजिट करने के बाद तुरंत ये लोग जो नोटिस दिए थे उसको वापस ले चुके हैं, लेकिन नोटिस वापस लेने से नहीं होने वाला है। जो फॉर्म नंबर पहनी में 9 और 11 में जो नाम बिठा है वक्फ कमेटी का वो भी उसको निकालना चाहिए, तब तक हमारा सही कार्य रहेगा।